तलाश स्पेशल रिपोर्ट में आज की कहानी है एक दुखियारी महिला की और एक सच्चे हृदय इंसान की जो उस महिला को निस्वार्थ सहारा दिए हुए है। इस स्पेशल रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, हो सकता है कि आपका एक शेयर इस दुखियारी को उसके परिवार से मिला दे। हम चलते हैं झारखंड के गढ़वा जिले के केदार प्रखंड में, जहाँ तलाश रिपोर्टर इम्तियाज आलम एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जिसे समाज के लोगों की सोच व नजरिया बदले। हमारे रिपोर्टर अपने रिपोर्ट के माध्यम से समाज में संदेश देना चाहते हैं कि इंसान यदि किसी की मदद करना चाहे तो उसके लिए धन और दौलत की आवश्यकता नहीं होती है, यदि आवश्यकता होती है तो मात्र सच्चे हृदय की। आपको याद होगा कि पिछले साल कोरोना को लेकर क्या माहौल बना हुआ था, उसी दौरान केदार प्रखंड के परसोडी पंचायत के बांसडी कला गाँव में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त भूखी प्यासी महिला पहुँचती है। कोरोना के डर से कोई उसके निकट नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। महिला की यह हालत देख उसी गांव के एक गरीब किसान बीरबल को महिला पर दया आ जाती है। बीरबल ने महिला को न सिर्फ खाने के लिए दिए बल्कि रहने का आसरा भी दिया। केदार प्रखंड के बांसडी कला में मौजूद है। चौरा बांसडी में एक मामला आ रहा है कुछ दिनों से। एक लेडीज है यहाँ जो अज्ञात लेडी भटकते हुए आई है और आ करके पिछले 10 महीनों से बीरबल पासवान पिता बुधन पासवान के यहाँ रहती है, जिसका सारा देख रेख और क्या बोलते हैं कि खाना कपड़ा और रहने सहने का तमाम जिम्मेवारी यह फैमिली उठाया हुआ है आज पिछले 10 महीनों से। वह लेडी जो रहती है वह अपना नाम रहीमन बीवी बताती है, और जब कभी कभी अगर उसको अढ़ा दिया जाता है कोई काम, घर वाले लोग अगर परिजन कह देते हैं तो वो काम भी कर देती है, और कभी उसके मन में आता है तो अपने घर वालों के चक्कर में रोने वोने लिखने लगती है। आइए हम बात करते हैं उन्हीं के परिजन से कि ये पिछले कई दिनों से रहती है। कितना दिनों से ये लेडीज रहती है आपके यहाँ? 10 महीने में। जी, क्या नाम है आपका? सुमेर पासवान। सुमेर पासवान, तो ये पिछले 10 महीनों से ये लेडीज आपके यहाँ रहती है, इसका खाना कपड़ा तमाम चीज़ कैसे उपलब्ध होता है? वही तरह से दी ला खा पिया ला। अच्छा, रहने के लिए भी साधन भी आते लोग देते हैं। यह कितना दिन से रहती है महिला आपके यहाँ? 10 महीना। 10 महीना से। इसका खाना पीना कपड़ा कैसा रहा? हम नहीं दी ला। अच्छा, इसका बोली वचन पता चलता है आप लोग को? पता नहीं चलता है। घर जी बे बाकस दो बड़का जी बे घरे कुत्ते तोहरे हमारे हाँ नया जी बे ना बाकस लेके बड़का बाकस दो चल जी बे ना बाका हाँ बाका को दीची बाबू गो आते बंदूक से बंदूक देव बंदूक आंदे दे आ पुशअप फोन दाई तो कहा हम बंदूक। बता दें कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला कहां से भटक कर पहुंची या कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही थी, और विगत 10 महीनों से वह बीरबल के घर में ही रह रही है। अब तो वह उनके परिवार और बच्चों से ऐसे घुल मिल गई है मानो वर्षों से उनको जानती हो। बार बार पूछे जाने पर महिला अपना नाम रहीमन बीवी बताती है और अपने पिता का नाम जुनैदी अल्दार बताती है। कई महीनों बाद महिला से किसी तरह यह पता चल पाया कि उसके बच्चे इस्लाम लड्डू और अबू बकर हैं। पति का नाम पूछे जाने पर कतराते हुए बहुत देर बाद बताती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वह अपने गांव का नाम गोपालगंज थाना राजवल जिला मदनपुर बताती है। आगे वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी और ना ही उसकी भाषा समझ में आ रही थी। राजौर गोपालगंज। राजौर गोपालगंज आरो थाना राजौर थाना आरो जे मदनपुर जिला आरो जे मदनपुर पोस्ट ऑफिस मदनपुर जिला मदनपुर जिला अपन बॉर्डर से का से नयनगर आरो मस्तपुर स्कूल चर राजौर मस्तपुर स्कूल मस्तपुर जिला अरे दरा से शकरपार जिला जिला पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस शिवपुर
कौन? यूसुफपुर। यूसुफपुर यूसुफपुर हाँ यूसुफपुर। अच्छा ठीक, नाम आपका रहीमन बीबी? हाँ हाँ ठीक। बता दें कि दुखियारी रहीमन बीबी को अपने घर में पनाह देने वाले बीरबल किसान खुद गरीबी का दर्द झेल रहे हैं। एक टाइम खाते हैं तो दूसरे टाइम खाने को सोचना पड़ता है। ऐसे में अपना पेट काट किसी दूसरे गरीब का सहारा बनना समाज के लोगों के लिए एक मिसाल पेश करता है। हम बीरबल पासवान की जितनी भी तारीफ करें कम ही है। तलाश टीवी ऐसे हौसला रखने वाले किसान के जज्बे को सलाम करती है। अब बारी आपकी है। तलाश टीवी आपसे बस यही एक गुजारिश करता है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि किसी तरह इस गरीब महिला के परिवार तक यह वीडियो पहुंचे और इस दुखियारी को उसका परिवार मिल सके।